नमस्कार, आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का एक ऐसे शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं जो मात्र 5 सेकंडों में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि इतना सारा लंबा जो आप हिसाब देख रहे हैं उसको आप बना सके। बना तो दीजिएगा, लेकिन पर समय आप लोग को नहीं पकड़ाएगा। तो एक ऐसे ट्रिक बताया जा रहा है, सिर्फ आप लोग प्रश्न को देख कर इसको आंसर कैसे टिक लगाइएगा। आप लोग वीडियो को बने रहे, और वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो इससे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ये नहीं कि ज्ञान घटता है। और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ज्ञान जो है सबको प्राप्त हो, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं इतना लंबा सा है, ध्यान दीजिए। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 हो तो टेन थीटा का हमको मान ज्ञात करने के लिए पूछ दे। ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट देखिएगा यहाँ पर, इस कंसेप्ट का नाम है कंपोनेंटो एंड डिविनेंडो, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना यही कि दोनों ऊपर जैसा रहे वैसा ही आपको नीचे रहे, ठीक ना। जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब बटा में कितना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो साइन थीटा और जो बगल में जो रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, बटा में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा। और ये जो 7 है, 7 में हम लोग क्या, इसमें बटा में 1 छिपा रहता है, तो 7 में एक बार क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे और 7 में ही एक बार 1 को घटाएंगे, उसके बाद आपका आंसर निश्चित तौर पर मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपका 7 है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, टेन थीटा का मान हो तो इसका मान ज्ञात करना है, टेन थीटा का मान ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताए हैं, साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर जो भी संख्या हो, एक प्लस में एक माइनस में हो, तो हमको क्या करना है, पहली संख्या को ऊपर लिखेंगे और दूसरी संख्या को क्या करेंगे, बटा में लिखेंगे। जैसे साइन पहली हो गया, कॉस दूसरी हो गया, तो इसको बटा में करेंगे। और आर एच ईश्वरी जो रहेगा उसमें, इसमें एक बार क्या करेंगे, एक मतलब बटा में जो भी होगा उसमें एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। बस आपने 7 में एक बार 1 जोड़ना है और 7 में ही एक बार 1 को घटा देना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, साइन बाई कॉस क्या हो जाता है आपका, टेन थीटा हो जाता है। और यहाँ पर देखिएगा, 7 में अगर 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 8, और 7 में 1 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 6। अब इसको काटेंगे, कितने मरतबे, 4 दुना 8 और 3 दुना क्या हो जाएगा, 6। आपका आंसर कितना हुआ, 4/3, ठीक है, मात्र 5 सेकंड लगा। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वही मैथ है, सेम है। जैसे मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, जो ऊपर में प्लस हो उतना ही संख्या नीचे में माइनस हो, तो ये लिखाएगा ऊपर में और ये लिखाएगा आपका बटा में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम लोग 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बटा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, 5/3 हो तो किसका मान ज्ञात करना है, sin थीटा का मान निकालना है, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या बताया, जो फर्स्ट में रहेगा उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे, आज जो सेकेंड में होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, बाटा में लिख देंगे। और एक बार हमको क्या करना है, 5 में एक बार 3 घटाना है और 5 में से ही 3 को क्या करना है, जोड़ना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, 5 में 3 जोड़ना है और उसके बाद 5 में से 3 घटाना है। जो जोड़ेंगे ऊपर लिखेंगे, जो घटाएंगे जो नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर sec थीटा का हम लोग जानते हैं क्या, 1/cos थीटा, क्या जानते हैं, 1/cos थीटा, ठीक है। और tan थीटा का हम लोग क्या जानते हैं, sin/cos थीटा, क्या जानते हैं, sin/cos। अब क्या करना है, एक बार 5 में जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 5 3 8, और एक बार 5 में से घटाना है 3 को तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, जब भागा में रहता है तो क्या होता है, गुना में बदलता है,
तो नीचे के ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ कॉस से कॉस खत्म हो गया आपका, ठीक है ना, क्या हो गया, कॉस से कॉस खत्म हो गया, और यहाँ पर हम लोग काट दिए कितना मर्तबे, चार मर्तबे, तो यहाँ पर आपका चार हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर वन बट्टा हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा चार बट्टा एक, तो क्या करेंगे, इसको हम दोनों को क्या करेंगे, पलट देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका कितना, एक बट्टा फोर, तो यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ साइन थीटा का मान, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन की ओर चल रहे हैं, कितने की ओर, तीन की ओर। ये क्वेश्चन जो है आप लोग अपने कॉपी में ऐड कर लीजिएगा और इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन आए आप लोग प्रेस्टिक कीजिएगा, आपका निश्चित तौर पर आपका सही ही होगा, ठीक है ना। ये नहीं समझिएगा से मात्र सारे दो ही क्वेश्चन को बना दिए शॉर्ट ट्रिक में और सारे क्वेश्चन मेरा इसी तरह के, अगर सेम इसी तरह के क्वेश्चन हो तो सेम मेथड लागू करना है, ठीक है। अब हमको तीन नंबर, हम लोग को क्वेश्चन नंबर तीन हमको बनाना है। तीन में क्या है, कॉट पावर फोर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर चार है, तो हमको ज्ञात करना है कोसेक पावर फोर माइनस कोसेक पर पावर टू। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब भी इस तरह का आपका प्रश्न आएगा, जो भी आर एच इसमें आपको दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह के प्रश्न मेरा दो तरह से आता है, जैसे मैं यहाँ पर कॉट पावर फोर और कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक ना, उसी तरह आपका आएगा टेन पावर फोर थीटा प्लस कॉट टेन पावर टेन स्क्वायर थीटा हो, तो अगर कुछ दिया होगा और यहाँ पर सेम उसी प्रकार के, तो ये कॉट है तो कोसे के पद में आया और यहाँ पर टेन आएगा तो सेक के पद में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग बारीकी से, हम चार कैसे आएगा हम लोग ये ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे, इसको हल करेंगे कोसेक कोसेक थीटा पावर फोर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, जब इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर भी पावर फोर आ जाएगा, और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कोसेक का सूत्र क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए वन के स्क्वायर वन होता है, यहाँ पर टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉट पावर फोर माइनस वन और यहाँ पर हो जाएगा कॉट, ठीक है। तो एक का स्क्वायर एक से एक कट जाएगा और यहाँ पर देखा जाए फोर कॉट स्क्वायर थीटा जा कॉट पावर फोर थीटा और दो कॉट स्क्वायर में से एक घटेगा तो एक आपको बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये जो देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर चार सेम उसी तरह के प्रश्न है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना होगा, ये 11 होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फाइव जो आप लोग देख रहे हैं उसको भी एक सरल तरीका में हम लोग हल करेंगे, ठीक है। किस तरीका में हल करेंगे, सरल तरीका में, यहाँ पर टेन थीटा बराबर हो जाता है पांच बट्टा छ, तो बारह साइन थीटा माइनस पांच कॉस थीटा बट्टा बारह साइन थीटा प्लस पांच क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है इसमें मान। अब यहाँ पर देखा जाए टेन के हम लोग क्या जानते हैं, टेन के क्या जानते हैं, साइन बटा कॉस, ठीक है, फॉर्मूला जानते हैं टेन का साइन बाई कॉस, तो वही है टेन के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन बटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पांच बटा छ। तो साइन जहां होगा वहां फाइव लिखेंगे और कॉस जहां होगा वहां हम लोग क्या लिखेंगे, सिक्स लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए बारह, साइन की जगह पर हमको कितना लिखना है, पांच लिखना है और कॉस के जगह पर कितना लिखना है, छ लिखना है। उसी प्रकार 12 गुने क्या हो जाएगा, 5 और प्लस है
उसी तरह के हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 × 5 = 60 और 6 × 5 = 30, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 90। तो 30 त्याग किया होगा 90, तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हमको आशा है कि आप लोग का ये मैथ काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों मुझे आगे बढ़ाने के लिए आप लोग को धन्यवाद। ताकि अपने जितने कमेंट कीजिएगा, जैसे कहिएगा, उस तरह के मैं वीडियो बनाकर डालूंगा। जो भी आपको मैथ में किसी भी तरह का मैथ हो, जो भी हो, उसको कमेंट बॉक्स में लिखे और उसका ट्रिक फिर अगले दिन आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा ही ट्रिक आपको लेकर आएंगे, बशर्ते आप, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और